हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज बताने जाऊंगा आप लोगों को हाउ टू ड्रॉ दी एसएफडी एंड बीएमडी फॉर एसएफडी एंड एसएफडी एंड बीएमडी फॉर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड इन ए कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम मुझे एक बनाने लीजिए। पहले मैं एक कैंटिलीवर बीम बना लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा अभी यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ये हो गया कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक है, चलिए 20 किलो न्यूटन मीटर ही लिख देते हैं। फिर से 2 मीटर, फिर ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द बीम, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, दिस इज यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड एंड यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, यहाँ इसका मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। कैसे बनाऊंगा? सिमिलरली क्या है, रिएक्शन जो है ए पॉइंट में है, बी पॉइंट में नहीं है। तो ए पॉइंट में रिएक्शन कितना बनेगा, द टोटल लोड, द टोटल लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, which is equal to total load is 20 kN and reaction at B is equal to 0. Similarly क्या है, left के upward positive है shear force के लिए and right के upward force क्या है, negative है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जो reaction है आ रहे वो left up है, तो इसीलिए क्या होगा, शियर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू प्लस 20 किलो न्यूटन एंड शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल टू 0। और अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है बेंडिंग मोमेंट। द बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट फ्री एंड है, जिसके कारण मैंने ऑलरेडी बताया था कि फ्री एंड में इसका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो 0 होगा, और ए पॉइंट में मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल लोड टोटल लोड कितना है, वो सेंटर में हो जाएगी। अगर सेंट्रोइड में हो जाएगा तो इसके बाद इसका डायग्राम बनेगा। तो टोटल लोड के कारण हो जाएगा क्या वैल्यू, टोटल लोड इज इक्वल टू 20 kN। सो 20 kN जो है वो सेंट्रोइड में बनेगा। सेंट्रोइड का मतलब है यहाँ इस पॉइंट में एक्ट होगा, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 × 1/3 ऑफ 2 मीटर विच इज इक्वल टू 40/3 kN/m। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ आई नीड टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कैंटिलीवर बीम के ऊपर अगर लोड प्रेजेंट है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो हॉगिंग ही बनेगा, दैट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव बनाऊंगा, बाकी शियर फोर्स पॉजिटिव बनाऊंगा, तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो बनेगा पॉजिटिव। लेफ्ट अप इज पॉजिटिव, इसके जो शियर फोर्स डायग्राम है वो ऐसा बन के पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा पैराबोलिक। सो दिस इज द
So finally this is the shear force diagram. यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वैल्यू होगा 20, ठीक है, दोनों ही वैल्यू कर दिया एंड पैराबोलिक एंड पॉजिटिव पैराबोलिक है, लेकिन ये ध्यान रखना है इनका जो शेप है ना वो शेप को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा शेप है, पैराबोलिक है। ये हो गया आप लोगों का शेयर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज पैराबोलिक। नेक्स्ट आई नीड टू ड्रॉ द बीएम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी निगेटिव होगा, निगेटिव बनेगा और इसका जो डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक क्यूबिक बनेगा। सो हियर इट इज जीरो एंड हियर इट इज, सो बट दिस डायग्राम दिस डाइग बट दिस रिमेंबर दैट दिस डायग्राम विल बी क्यूबिक, the bending moment diagram will be cubic and this diagram will be negative, here the value will be 40/3 and here it will be 0, this is A point and this is B point, this is A point as well as this is B point. So this is the bending moment diagram for the cantilever beam with uniformly varying load. So इस तरीके से हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम बनानी है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, ठीक है। सो अगर किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ लीजिए मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।